बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, अब ठाकुर जी के ऊधम बताए जा रहे हैं, ठाकुर जी कैसे कैसे ऊधम करते हैं। संग्यग्निदम शशि जलद द्विजकंटकेभ्य, आहा, ठाकुर जी गैयाओं के सींगों से खेलते हैं, गायों के बड़े बड़े सींग होते हैं। तो नंद बाबा के यहां कितनी गैया हैं? 9 लाख गैया हैं। तो नंद बाबा कहा करें 9 लाख गैया को जितनो दूध निकले बाद दूध को प्रयोग में ले लें, गोकुल में बंटवा दें, फिर बच्चे भय दूध को मक्खन बनवा दें, दही बनवा दें, छाछ बनवा दें, घी बनवा दें। अब 9 लाख गायों का दूध कोई थोड़ा बहुत तो होगा नहीं, अथाह दूध होता था महाराज। गौरस भंडार नहीं, गौरस के कुएं थे नंद बाबा के यहां, घी के कुएं, मक्खन के, सबका भंडार था। तो नंद बाबा क्या करते थे, कभी कभी महीना में 2 बार 3 बार थोड़े घी की सामग्री ले जाते और घी जाकर के गैयान के सींगन पर जाके खूब बढ़िया उनकी मालिश करते। तो नंद बाबा के गायों के सींग दूर से ही चमकते थे, इतने सुंदर। और लाला कहा करें, लाला चल करके जामे वहीं और बैठी भई गैया जो अभी भूसो खा करके अभी बाकू चबाए रही है प्रेम से बैठी भई है, लाल जी जाते हैं और जाकर के उसके एक सींग को पकड़ लेते हैं और सींग को पकड़ करके वो गैया को हिलाने लगते हैं। अब बैठी भई गैया है, उसके सींग नीचे हैं, तो ठाकुर जी पकड़ लेते हैं। अब थोड़ी बहुत देर तो ठाकुर जी उसके सींग पकड़ के हिलाते रहते हैं, जब तक तो वो कुछ नहीं कहती। लेकिन जैसे ही जोर जोर से ठाकुर जी सींग पकड़ के उसके सिर को घुमाते हैं तो थोड़ी बहुत देर ऐसे करते करते गैया खड़ी हो जाती है। और जैसे गैया खड़ी होती है, ठाकुर जी ने सींग पकड़े होते हैं, तो ठाकुर जी ऐसे लटक जाते हैं जैसे कोई पेड़ पर कटहल का फल लटका हो। अब तो एक तरफ लटके हुए ठाकुर जी, अब गैयाओं के सींगों में लगा है घी, और घी की वजह से हाथ चिकने हो जाते हैं तो फिसलते हैं हाथ। तब ठाकुर जी का जब जोर छूटने लगता है तब चिल्लाते हैं, अरे मैया जल्दी आइयो, मैया मोकू बचाइयो, गैया मोकू मार रही है। गैया भी बड़ी चतुर, गैया भी दूर से ही देख ले जहां गोबर को ढेर होवे वहीं ले जा करके जोर से झटके से ही ठाकुर जी गोबर में जाके गिर जावे। मैया आके के लाला मोकू तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे, कितनो नहाए लो, कितनो श्रृंगार कर लो, या गोबर में आके खेले। ठाकुर जी मनी मन मुस्कुरा रहे, मैया सही कह रही है, मैं पहले बराह बन करके आ चुका हूं, सूकर का रूप तो मैंने धारण किया ही है, ऐसी लीला करें। अग्नि चूल्हे में रोटी बनाती है यशोदा मैया, तो जैसे चूल्हा में रोटी बनावेगी तो बलराम से किसी बात पर लड़ लेते हैं ठाकुर जी, और फिर जैसे ही बलराम कुछ कहते हैं तो ठाकुर जी चूल्हा में जलते भाई लकड़ी निकाल के और फिर बलराम के पीछे भागते हैं, अग्नि से खेलते हैं। द्यमष्टि, ये तो इतना विचित्र है, ठाकुर जी क्या करते हैं, गली मोहल्ले में डोलने वाले सूकर कूकर, कुत्ता बिल्ली आ जाते हैं ना गलियों में, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, चौकड़ी मार के उसके पीछे भागते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के फिर उसका मुंह खोलते हैं, और मुंह खोल के फिर उसके दांत गिनते हैं, इसके कितने दांत हैं, और फिर अपने गिनते हैं, मेरे कितने दांत हैं। अब छोटे हैं तो ठाकुर जी के 2-4 ही दांत निकले हैं अभी, कुकर सूकर के बिल्ली के ज्यादा दांत होते हैं, तो फिर मैया के पास जाके रोते हैं, मैया के काल लाला काय को रो रो है, बोलवा बिल्ली के इतने सारे दांत हैं, मेरे 2 ही दांत हैं, मुकु भी दांत चाहिए, और ऐसा उधम मचा में यशोदा मैया अपनी गोद में बिठा ले लाला को, हृदय से लगा ले। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि जल, जल में कूद जाते हैं, और जल में जब कूद जाते हैं फिर ऐसा नाटक करते हैं जैसे डूब रहे हो, फिर मैया से मैया बचाइयो मैं डूब रहा हूं, मैया मुकु बचा मैं डूब रहा हूं। जैसे मैया आती है पकड़ती है लाला को निकालने के लिए बाहर करती है, तो दोनों हाथ से मैया को पकड़ के मैया को भी खींच लेते हैं, उनको भी धक्का दे देते हैं। मैया के इतनो ऊधम मचावे, इतनो ऊधम मचावे, ऐसी बड़ी बूढ़ी तेरी मैया बाकू ऐसे फेंके यमुना जल में ना मैया, मैं तो या मारे तो को फेंक रो कि तू मुँह को गोद में लेना तो तुम्हें तो दुर्गंध आवे, मुँह लगे तू नहावे ना, या मारे तो को नहा रहो ऐसे ऊधम मचावे। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि जल द्विज,
महाराज जब ब्राह्मण निकलते हैं गोकुल में नंद भवन के सामने से, वेद पाठी ब्राह्मण अपने ग्रंथों को लेकर के, खड़ाऊं पहन करके, तिलक त्रिपुंड लगा करके, और जब नंद भवन के आगे से निकलते हैं तो ठाकुर जी अटारी पर चढ़ करके उन ब्राह्मणों को देखते हैं, और ब्राह्मणों की लंबी लंबी चोटियां देख करके ठाकुर जी अपनी छोटी सी चोटी घुमाते हैं। भैया बोले का भयो लाला? बोले इन ब्राह्मणों की इतनी लंबी लंबी चोटी है, मेरी तो नेक सी सी चोटी है। मैया बोले लाला दूध पीवे से चोटी भड़े। और श्री सूरदास जी महाराज इस भाव का इतना सुंदर वर्णन करते हैं, ठाकुर जी अपनी छोटी सी चोटी पकड़ करके कह रहे हैं, कबहू भड़ेगी चोटी मैया, कबहू भड़ेगी चोटी, किति बैर मोहे दूत पिबत भय, यह अजहू है छोटी। ठाकुर जी दूध कैसे पीते? मैया के दूध पीवे तो चोटी बढ़े, तो ठाकुर जी एक उंगली से तो चोटी पकड़ते हैं, दूसरे उंगली से दूध पीते हैं और देखते हैं फिर ये बड़ी कि नहीं बड़ी, और फिर मैया से कहते हैं, मैया कितने बेर मोए दूध पिवत भय, ये अजहू है छोटी, मैं कितनों दूध पीऊं ये आज भी छोटी है। बंधुओं ये आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये अद्भुत बात भी तो कम नहीं है कि परब्रह्म परमात्मा तीनों लोक जिसके अधीन है वो ब्रज में ऐसी लीला कर रहा है। वो परमात्मा जिसकी ब्रगुटी टेढ़ी करने पर तीनों लोक थर थर कांपते हैं, वो परमात्मा इस ब्रज पर अधीन होकर के कैसी लीला कर रहे हैं, चोटी पकड़ करके दूध पी रहे हैं। तू जो कहते बल की बेनी, जो है लंबी मोटी। मैया तुम उसे कहती रही कि तू दूध पिए कर तेरी चोटी लंबी हो जाएगी। तूने बलराम जी की चोटी देखी है, बलभद्र भैया की चोटी देखी, वहां की चोटी कैसी है, लंबी भी है और मोटी भी है, और मेरी छोटी सी है। और ठाकुर जी इसी बात पर रो रहे हैं। सूरदास जी अपने वाणी में वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी के रूप का, काढ़त गुइहत नावत जे हूं, नागन सी भुई लोटी। आहा, ब्रज भाषा के शब्द हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा देखो जो चोटी नहीं रखी ना जिसने, वो ठाकुर जी के दर्द को नहीं समझ पाएगा। जब चोटी नई नई रखते हैं ना, तो पहले एक दो साल तक तो ये बंधने में ही नहीं आती है, इसको कितना भी काढ़ो कितना भी इसको सुंदर करते रहो, ये ऐसी नागिन की तरह बनी रहती है पीछे। जिन्होंने चोटी रखी है उनको शुरुआती समय की याद होगी। तो ठाकुर जी वही कह रहे हैं, या को कितनों भी काढ़ूं या को कितनों भी गुहलाऊं, ये फिर नागिन की तरह ऐसी लपटी रहे मेरे पीछे, ये बड़ी कब होगी मैया। काचो दूध पियावती पच पच, देत ना माखन रोटी। मैया मुझे तो लगे मेरी जो चोटी छोटी रह गई ना, या मैं दोष तेरो है। मैया बोली मेरो का दोष? बोले या मारे तेरो दोष है कि तू मुको कच्चो कच्चो दूध पिवावे, मक्खन रोटी ना खवावे, या मारी मेरी चोटी छोटी रह गई है, मुको मक्खन रोटी खवाए कर। सूरदास त्रिभुवन मन मोहन, हरि हल धर की जोटी, कबहू भड़ेगी चोटी मैया मेरी, कबहू भड़ेगी चोटी। ब्राह्मणों को देख करके ठाकुर जी अपनी चोटी पकड़ के रोते हैं, कब बड़ी होगी, इन जैसी कब होगी मेरी। मैया फिर कभी दूध पिवावे मक्खन रोटी खवावे, बोले यादें बढ़ेगी, ऐसी ऐसी लीला। ठाकुर जी नित्य नंद बाबा को देखते हैं कि नंद बाबा रोज हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। नंद बाबा को हवन करते देख बाबा से एक दिन
एक दिन लाला पूछते हैं, बाबा तुम ये हवन काय को करो, रोज अग्निहोत्र काय को करो। अब छोटे बालक को ज्यादा तो नहीं, बड़े लोग ऐसे ही समझाते थे मजाक मजाक में। तो नंद बाबा ने वही कह दी कि लाला ये हवन करवे से ना अग्नि देवता प्रसन्न नहीं जाए, और अग्नि देवता प्रसन्न नहीं जाए फिर मन चाही वस्तु प्रदान करे, जो मन में इच्छा रखोगे सब दें। जैसे आजकल बच्चों को समझाते हैं कि ऐसा करोगे तो परी आएगी, परी आके फिर जो मांगोगे विश पूरी कर देगी, ऐसे समझाते हैं ना। ऐसे ही ठाकुर जी को नंद बाबा समझा रहे हैं, लाला ये हवन करवे से अग्नि देवता प्रसन्न नहीं जाए, और प्रसन्न है कि वो वस्तु प्रदान करे जो मन की इच्छा हो। लाला को रात भर नींद नहीं आई आज, क्यों? ठाकुर जी बोले इच्छा तो मेरी भी है। बोले कहा इच्छा है? सुंदर बहू की। अब वह सुंदर की, सुंदर बहू की इच्छा मैं कैसे पूरी करूं? कल से मैं भी हवन करूंगा। और 3.5 वर्ष के कन्हैया अपने सब ग्वाल बाल मंडली को बुला लेते हैं, और सारी ग्वाल बाल मंडली के संग में नंद भवन के पीछे एक सुंदर बगीचा है, वहां सूखे पत्रों को इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें अग्नि लगा देते हैं। अग्नि लगा करके सूखे पत्तों का चूरा सब में बांट देते हैं, और सब में बांट के कहें अब सुनो, जब जब मैं कहूं स्वाहा तो तुम सब यहां में आहुति डालियो। ग्वाल बाल बोले ठीक है, खेल रहे हैं ठाकुर जी। और ठाकुर जी आचार्य बन के बैठे, स्वाहा सब डालो, सब स्वाहा कर रहे हैं उसमें। मधुमंगल श्रीदामा भगवान के सखा भगवान से पूछ रहे हैं, लाला ही कहा करवा रहे है? बोले हवन करवा रहा हूं। बोले काय चीज को हवन? बोले सुंदर बहू आवेगी या हवन को करवे थे, और सुन जब मैं स्वाहा बोलूंगो तब यदि तेने नहीं डारो ना तो तेरी एक बहू की आंख पधार जाएगी, या फिर तेरी एक बहू टोंटी आवेगी, या तो एक माम ते लंगड़ी आवेगी। तो सारे ग्वाल बाल इतनी तत्परता से बैठे हवन में, लाल जी के स्वाहा तुरंत डालते हैं। नेक भी कोई रह जा, देख अब तेरी बहू के देखियो एक कान नहीं आवेगा, तेने लेट डारो है। ऐसे ठाकुर जी आनंद कर रहे हैं अपने सखाओं के संग। खेल खेलने के बाद में मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी से कहते हैं, लाला हवन के बाद में ब्राह्मण भोजन करायो जाए, हमारो हवन तो है गया लेकिन ब्राह्मण भोजन तो भये नहीं। ठाकुर जी बोले रुको अभी चलते हैं, ब्राह्मणों को निमंत्रण देके आते हैं। और ठाकुर जी श्रीदामा मधुमंगल के हाथ पकड़ करके जामे गोकुल के जितने ब्राह्मण सब ब्राह्मणों के यहाँ हाथ जोड़ करके जाते हैं, और ठाकुर जी कहते हैं आज हमारे यहाँ हवन भयो है, आज हमारे यहाँ यज्ञ भयो है, यज्ञ की प्रसादी पावे अयों। ब्राह्मण जैसे ही देखें नंद भवन से निमंत्रण आया है, नंद भवन के निमंत्रण को जान करके ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणियों से कहते हैं, अरे ब्राह्मणी सुनो आज नंद भवन में भोजन है हमारा। बोले तो? बोले आज चूल्हा मत जलाना घर पर, और सुनो तुम भी अपने लिए कुछ मत बनाना, एक बढ़िया पात्र दे दो, हम भोजन करने जाएंगे तुम्हारे लिए, बंधवा के लिए आएंगे। नंद भवन में इतना खिलाते हैं, 56 भोग इतना बनता है कि भाई यहां तक पूरा भर देते हैं। और सुनो एक काम और करो, नमक का पानी दे दो हमको। क्यों? नमक का पानी पीने से और तेज भूख लगती है। और सारे ब्राह्मण सुबह से नमक का पानी पी रहे हैं, सुबह आज दोपहर में भोजन ही नहीं किया किसी ने, नंद भवन में खूब सारा भोजन करने वाले हैं, शाम को बढ़िया सुंदर बगलबंदी धोती पटका डाल करके पीला चंदन लगा करके इत्र लगा करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। और नंद भवन में तो कोई भोजन था ही नहीं आज, 200-300 ब्राह्मण आ गए। जैसे ही नंद भवन में आए तो अटारी पर यशोदा मैया बैठी थी, यशोदा मैया ने जैसे ही देखो बोले अरे वाह बड़ी कृपा, आज इतने सारे ब्राह्मण कैसे आए, इतने सारे ब्राह्मणन को आगमन कैसे भयो। किसी को यदि भोजन पर निमंत्रण दे दो और वो व्यक्ति 3 समय का भोजन छोड़ करके अपने घर के चूल्हे को बंद करवा के आपके यहाँ भोजन करने आ जाए और आप उससे कहो बताओ कैसे आए, क्या होगा उसका? ब्राह्मण बोले मैया चुल्लू भर पानी दे दे, डूब के मरेंगे वहां में, ये हमारे आए हैं।
अरे मैं तो पूछ ही रही हूँ कैसे आए, अरे कैसे आए कहा हुए करे, तेरो लाला गयो हमारे पास, माने निमंत्रण दियो कि आज सबन को आनो है भोजन करवे आए हैं, हमको भोग खवाओ। यशोदा मैया बोली काय चीज को भोजन? बोले लाला ने बताई कोई यज्ञ भयो आपके यहां? बोले हमारे यहां कोई यज्ञ ना भयो, और यज्ञ यदि हमारे यहां होता तो आप लोग ही ब्राह्मणों आप लोगों के द्वारा होता, आप लोग तो थे नहीं, तो फिर यज्ञ कौन कराएगा? ब्राह्मण बोले मैया हमें कैसे बचा, हमको भूख से डर नहीं है, वापस खाली पेट घर लौटने से डर है, क्योंकि ब्राह्मणी अब बनाएगी नहीं, ऊपर से मारपीट के बगावर देगी। मैया तुम्हारी लाज बचा। मैया बोली ठीक है मैं व्यवस्था कर दे रही हूं, लेकिन पहले अपने यजमान को ढूंढ के लाओ, ये कन्हैया है कहां, जाने तुम्हें निमंत्रण दियो। यशोदा मैया सब ब्राह्मणों को लेकर के गई तो पीछे बगीचा में ठाकुर जी अपने सब ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे। यशोदा मैया ने जाके आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया यहां पे। जैसे ही ठाकुर जी ने देखे यशोदा मैया के संग सबरे ब्राह्मण आए हैं, और बोले ये ब्राह्मण तो सच में आ गए। मधुमंगल श्रीधामा से बोले मैया मारेगी तुम चलो मेरे संग। बोले हम क्यों जाएं पिटवे? बोले तो पिटवे को मैं अकेलो जाऊंगो। ठाकुर जी गए, हाँ मैया बता कहा बात है। मैया ने पकड़ो कान, बोले ये सब कौन है, ये सब जो खड़े हैं मेरे पीछे कौन है ये लोग? ठाकुर जी बोले तेरी सौ खा के कहूं मैया मोहना पता ये कौन है? अरे ये ब्राह्मण कह रहे हैं कि तेने इनको निमंत्रण दियो आज हमारे घर पे आनो भोजन पावे। बोले मैया तेरी सौगंध मोगू तो यू ना पता इनको घर कौन सी गली में, मुझे ना पता मैंने कोई निमंत्रण ना दियो, ऐसो उधम मचा में। मैया बोली सांची सांची बता तेने कैसे निमंत्रण दियो इनको, और मोकू तो बता दे तो मैंने थोड़ी भोजन की व्यवस्था कर देती। ठाकुर जी बोले मैया देख अब सच्ची बात अब बताऊं मैं तोकू, सुन हमने कियो हवन, हवन करवे के बाद ये श्रीदामा है का ये मुझसे बोलो कि ब्राह्मण उनको भोजन करवानो पड़ेगो, तो मैंने मन में विचार कियो कि खेल खेल को हमारो हवन भयो, खेल खेल को ही भोजन है जाएगो, बिना मंत्रण के हमारो हवन भयो, बिना ब्राह्मणन के हमारो हवन भयो, ऐसी बिना सामग्री के ये ऐसे पत्ता लेकर के हाथ में कह देंगे हाँ भाई रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनो है, ये खीर बहुत बढ़िया बनी है, पूरी सब्जी कहा बढ़िया, तो मैंने सोची खेल खेल को हवन खेल खेल को भोजन, लेकिन ये ब्राह्मण तो सांची ले गए सच में भोजन पावे आ गए। ऐसो उधम मचा में यशोदा मैया ने फिर सबकी व्यवस्था की, सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। ठाकुर जी ज्यो ज्यो बड़े होते जा रहे हैं ऐसा उधम मचा में कि महाराज पूछो मत। एक दिन सारी ब्रज की गोपियां मैया के यहां ठाकुर जी की शिकायत करने आई, और श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में वर्णन कर रहे हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपय कल्पितै स्तेययोगै मरकान् भोक्षन् विवजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनति द्रव्यालाभे सग्रह कृपितो याद्य प्रक्रोश्यतो कान। बहुत ध्यान से सुनना। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। गोपियां सब गई नंद भवन में, और नंद भवन में जाकर के सब यशोदा मैया शिकायत कर रही, मैया अपने लाला को समझा लो नहीं तो काउदना हम या को देख लेंगे।
मैया बोली कहा करे मेरो लाला। तब गोपियां सब बता रही हैं, बोले स्तेयम स्वादधिपयः, आपको लाला स्तेयम कहते हैं संस्कृत में चोरी को, आपको लाला चोरी करे। मैया बोली कैसी बात कर रही हो, मेरो लाला चोरी करेगो? वाकु नंद भवन में कोई कमी है? नंद भवन में जो खंभ लगे हैं उन खंभों की जो मणियां हैं वो एक मणि का मूल्य इतना है कि पूरा गोकुल नहीं चुका पाएगा, और तुम कह रही हो मेरो लाला चोरी करे। बोले अरे मैया, हम धन की चोरी, मणि की चोरी या सामग्री की चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, आपको लाला चोरी करे काय की, दधि पय, दही और दूध की चोरी करे, मक्खन की चोरी करे। मैया इतनी जोर की हंसी, मैया बोली, बोले मेरे लाला के 9 लाख गैया हैं। कितनी? 9 लाख। 9 लाख गैयान के इतने दूध, इतने घी, इतने दही को छोड़ करके लाला तुम्हारे यहां की दूध घी दही की चोरी करेगो? अरे दो चार बार मेरे लाला ने आकर के यदि नेक थोड़ा बहुत दही खा लियो, मक्खन खा लियो, तो तुम शिकायत करवे आ गई हो? प्रेम से खिला दे करो गोदी में बैठा के, और जितना मक्खन मेरे लाला ने खायो आके मुंह को बता दे करो, वास्ते दुगनो मक्खन मैं दे दूंगी तुम लोगों को, ये चोरी को इल्जाम मत लगाओ मेरे लाला पे। बंधुओं एक बात, ठाकुर जी चोरी करते क्यों है माखन की, दही की, दूध की, ये जरूरत क्यों पड़ी? उसके पीछे भी एक कथा है, ऐसे ही नहीं ठाकुर जी कोई क्रिया को क्रियान्वित करते हैं। ब्रजमंडल के राजा हैं मथुरा, ब्रजमंडल के राजा हैं मथुरा के नरेश कंस, और कंस ने सारे ब्रजमंडल के लोगों पर एक कर लगा रखा है, टैक्स लगा रखा है। किस चीज का? कि जितनी गैया हैं घर में उन सब का अधिकतर दूध घी दही सब मथुरा भेजना पड़ता है सब लोगों को। हर दिन मथुरा के सैनिक आते हैं, आकर के देखते हैं, यदि कोई भी ब्रजवासी दूध घी दही मक्खन किसी को भी अपने यहां छुपा करके रखता हुआ पाया जाता है तो फिर उसको दंड मिलता है। नंद बाबा क्योंकि एक राजा हैं क्षेत्र के, इसलिए नंद बाबा को अधिकार है रखने का, बाकी सामान्य ब्रजवासियों को अधिकार नहीं है। ठाकुर जी जब अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, कभी धक्का दे देते हैं, कभी खेलते खेलते गिर जाते हैं ग्वाल बाल, तो भगवान कहते हैं तुम लोग इतने कमजोर क्यों हो, मक्खन क्यों नहीं खाते हो, दूध दही क्यों नहीं खाते हो? हम गोकुल में रहते हैं, गोकुल का मतलब जहां गायों का समूह रहता है उसको गोकुल कहते हैं। सब ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को बेटा है तो को खूब दही खावे को मिले, मक्खन खावे को मिले, दूध पीवे को मिले, लेकिन हम लोग तो सब गरीब ब्रजवासी हैं, हमारे यहां तो कंस ने सैनिक भेज दे, सब रो दूध घी दही सब मथुरा भेजना पड़े, हम घर में रख ना सकें, हम तो केवल सेवा करें गैया की और जितना दूध होवे वा को घी दही सब भेजना पड़े, हम खाना सकें, हम पीना सकें, कंस को भेजना पड़े। भगवान बोले सद वस्तु कंस को क्यों भेजी जाती है? बोले कंस ने नियम बना रखा, नहीं देते हैं तो फिर दंड देता है। तब भगवान बोले कि राजी राजी नहीं मिलता खाने को तो फिर गैर राजी खाओ, रुचि से नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ। ग्वाल बाल सब बोले लाला देख तू जो कहेगो सो करेंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे, हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याना होवे। ठाकुर जी बोले चोरी करवे तो ब्याना होवे, ऐसो पत्रो दुबरो सो बनो रहेगो तो कोई ब्याना करेगा तो ते। अरे नेक शरीर तो बना, नेक सुंदर तो है जा, गोल मटोल तो है जा, तब तो कोई ब्याह करेगो। हमने अपनो अपनो भाव कह दियो भैया कल से चोरी करनी पड़ेगी, और यदि चोरी नहीं करोगे तो फिर हमारी तुम्हारी कट्टी, हम तुम्हारे संग नहीं रहेंगे। सब ग्वाल बाल बोले लाला तू जो कहोगे सो करेंगे लेकिन हमसे दूर जावे की बात मत कर, इसलिए ये गौरस कंस को ना मिले, कंस को ना भेजना पड़े, मथुरा वासियों को ना देना पड़े, मथुरा वासियों से बचाने के लिए, कंस से बचाने के लिए ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग चोरी करते हैं, ताकि गौरस वृंदावन में ही रहे, गोकुल में ही रहे, नंदगांव में ही रहे। घर घर जाके माखन की चोरी करते हैं, सब आकर के मैया से शिकायत करती हैं।
मैया तुम्हारो लाला इतनो उदम मचावे, ऐसी ऐसी चोरी करे। मैया बोली, मेरे लाला ने यदि माखन खायो तो तुम बाकू गोद में बैठा के प्यार से खवाए दे करो, चोरी नहीं करेगो। जब तुम्हारे घर आवे तो गोदी में बैठा के ऐसे भाव से खवाए दे करो, लाला चोरी नहीं करते, लो प्रेम से खाओ। गोपी बोली, हम करके देख चुकी हैं, प्रेम से खिलाने का विचार किया तो आपको लाला टेढ़ो मुंह करके बोले, मुकु तो चोरी को ही अच्छो लगे, मुकु प्रेम से खवा रो मजो ना आ रो, मुकु तो चोरी में ही आनंद आवे, ऐसो तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली, मैया ये तो बहुत दूर की बात है, यदि हम प्रबंध कर दें कि लाला चोरी नहीं कर पावे, ऊंचे छींके पे यदि मटकी टांग दें, अंधेरे में रख दें, ऐसी कोई व्यवस्था कर दें कि लाला चोरी नहीं कर पावे, तो वाह घर में वादन रोटी नहीं बन सकती। क्यों? ठाकुर जी की ब्लैकलिस्ट में चला जाता है वो घर। बोले आज यहां चोरी नहीं कर पाए हम, आज यहां कोई भी भोजन नहीं कर पाए, ऐसा कुछ आक्रमण करो। तो बोले क्या करते हैं? बोले चूल्हा तोड़ के भाग जाते हैं, कंडों में पानी फेंक जाते हैं, कंडे समझते हैं उपले गोबर के जो बनते हैं, उनमें पानी फेंक जाते हैं। कोई स्थिति नहीं छोड़ते कि हम लोग घर में भोजन बना लें उस दिन। और एक गोपी ने तो ऐसा आरोप लगाया कि महाराज बस पूछो ही मत। गोपी बोली, मेहना दीनिवास्तव। मैया तुम्हारो लाला कहा करे पता है? कहा करे? बोले इनके घर के तो चूल्हा तोड़ के जावे, इनके घर के कंडान पे पानी फेंक के जावे, और मेरे घर में जो क्यों मैं तो बता ना सकूं। मैया बोली, ना ना बता कहा कियो। बोरे मेरे घर से लाला चोरी नहीं कर पायो तो मेरे घर में लाला आयो और आके चूल्हा पे बैठ के धोती खोल के और गानों गाया है, मेहना दीनी वास्तव। मैया बोली, सच में मेरे लाला ने ऐसा क्यों? बोले हाँ मैया तुम्हारो लाला ऐसा करे ना, मैं नहीं मान सकती। अरे मैया सच बोल रही है, हम झूठ क्यों बोलेंगी? तुम्हारो लाला इतना उदम मचावे। बंधुओं श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, ये जितने भी आरोप भगवान पे लगाए जा रहे हैं ना, ये सब झूठे हैं। ठाकुर जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ ठाकुर जी चोरी करते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा जो बता रही हैं गोपियां, ये सब पता है क्यों कर रही हैं? क्योंकि कृष्ण को देखने के लिए आई है नंद भवन, कि हम ज्यादा बड़े बड़े आरोप लगाएंगी तो आरोपों को सुन के मैया हमारे सामने डांटने के लिए कन्हैया को बुलाएगी, और जैसी कन्हैया आएगा तो हमको कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे, इसलिए गोपियां बोल रही हैं ये। ऐसे ब्रज की लीला, ठाकुर जी खूब उधम मचाते हैं, गोपियों पर खूब सुख लुटाते हैं, खूब आनंद कर रहे हैं, सब ब्रजवासियों को बहुत सुख मिलता है। एक दिन ठाकुर जी मैया की गोद में बैठ के दूध पी रहे थे तो सामने उफन रहा दूध निकल के बाहर आ गया, स्वयं को जलाने लगा, तो मैया लाला को नेक दूर करके उस दूध को संभालने चली गई, तो ठाकुर जी को गुस्सा आ गया। बोले कि मैया को दूध ज्यादा प्यारो, पूत प्यारो नहीं है। ठाकुर जी ने उस दिन डंडा हाथ में लिया और सारे मटके फोड़ दिए जितने थे नंद भवन में, सबसे दूध घी दही सब बहने लगा। मैया ने जैसे ही देखा, मैया को गुस्सा आया, मैया ने लाला को पकड़ करके उखल से बांध दिया। तीन बार प्रयास किया, ठाकुर जी की रस्सी छोटी पड़ने लगी, लेकिन अंत में लाल जी बंध गए। मानो ये बता दिया कि मैं सबको बांधता हूं, लेकिन भक्त चाहे तो मुझे बांध सकता है, अहम भक्त पराधीन। एक व्यास जी कथा कर रहे थे, व्यास जी समय के बड़े पक्के थे, हमारी तरह नहीं थे लेट लतीफ। कई माताएं हंस गई हैं, मतलब मैंने सच बोला। हम ऐसे ही हैं मूडी, समय पर कथा कभी तो शुरू कर देंगे और कभी कहो तो 10-10 बजे तक कथा कर रहे हैं। तो एक व्यास जी थे, बड़े समय की पाबंदी में रहते थे, 3 बजे कथा शुरू कर देते थे, 7 बजे पूरी कर देते थे। तो 7 बजे तक कथा करते 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 यही प्रसंग चल रहा था
कि ठाकुर जी ने सारे गौरस के मटके फोड़ दिए और सारे दूध घी दही सब बहने लगी। इतने में ही मैया को क्रोध आया और मैया ने लाला को उखल से बांध दिया। इतने में व्यास जी ने समय देखा, 7 बज गए। बोले अब आगे की कथा हम कल करेंगे 3 बजे से। और व्यास जी इतना कह के आरती करा करके चले गए। रात में व्यास जी सो गए प्रसाद आदि पाके। सुबह जैसे ही उठे तो क्या देखा, पूरे घर की चोरी हो गई। चोर आए और रात्रि में सारा सामान लेके चले गए। एक गिलास चम्मच भी नहीं छोड़ी व्यास जी के घर में। पूरे घर की चोरी हो गई। एक अकेले व्यास जी बचे थे और दूसरे कमरे में जाके देखा तो गोपाल जी बचे थे, जो उनके गोपाल जी थे। बाकी सब चोरी हो गया। व्यास जी पहले तो बड़े हताश उदास निराश हुए, अंत में जाके अपने गोपाल जी के सामने रोने लगे, गला फाड़ फाड़ के आपकी कथा गाते हैं, चीख चीख के आपका कीर्तन करते हैं, लोगों से गवाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, 4 घंटे एक आसन में बैठे रहते हैं, लोगों को आपका भक्त बनाते हैं, इतने सारे लोगों को वैकुंठ गामी बनाते हैं, ये जगह जगह घरों में आपकी सेवा चल रही है, सब हमारी कथा के प्रताप से हो रहा है, और आज हमारे हमारे यहां चोर आ गए चोरी करने के लिए, तो आपसे हमारी रक्षा नहीं की गई, पूरा घर लूट गया, सब चोरी हो गया। वैसे तो इतने बड़े रक्षक कहलाते हो, वैसे इतने बड़े भक्त वत्सल कहलाते हो, सबकी रक्षा करते हो, हम तुम्हारी कथा कहते हैं, हमारी रक्षा तो की नहीं आपने। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, हमको दोष क्यों दे रहे हो, दोष तुम्हारा है। व्यास जी बोले, हां दोष तो हमारा है ही, जो तुम्हारी कथा गाई हमने, अब दुनिया को बताएंगे कि आप झूठे हो, आप कोई रक्षक वक्षक नहीं हो। ठाकुर जी बोले, गुस्सा मत करो, हमारी बात सुनो, दोष तुम्हारा इसलिए है कि कल तुम कथा कह रहे थे, कथा में तुमने बोला मैया ने लाला को उखल से बांध दिया। अब उसके तुरंत बाद तुम बोले कि अब हम आरती करेंगे, आगे कथा कल सुनेंगे। रात में चोर आए थे, मैं उखल में बंधा हुआ था, मेरे हाथ पांव सब बंधे हुए थे, मैं कैसे रक्षा करता। चोर तो 3 दिन से चक्कर लगा रहे थे तुम्हारे घर के, लेकिन तब मैं खुला हुआ था तो तुम्हारी रक्षा कर रहा था, लेकिन कल तुमने कथा में हमको बांध दिया, इसलिए मैं तो बंधा हुआ था। तो ठाकुर जी तो ऐसे भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के पास में तो यूं बंध जाते। मैया ने लाला को बांध दिया, ठाकुर जी उखल में बंधे हुए खिसकने लगे। यमलार्जुन के वृक्ष के बीच से जैसे निकले, स्पर्श किया, दोनों वृक्ष गिर पड़े और कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त किया। वृक्ष गिरे देख करके यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, यहां से अभी चलेंगे, वृंदावन जाएंगे। और सब ब्रजवासी गोकुल छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन आ गए। हम लोग भी वृंदावन चलें भाव से, चलो मन वृंदावन की, चलो मन वृंदावन की, चलो मन वृंदावन की ओर, 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 गाओ भाव से, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन, श्री वृंदावन बिहारी लाल।
क्या करें हम वृंदावन जाके? वृंदावन में कौन है? ध्यान से सुनो। ओ जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी, ओ नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को, दर्शन दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन 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 रो रे, वृंदावन वृंदावन रो रे, वृंदावन 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 रो रे, वृंदावन वृंदावन रो रे, श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, श्री वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन वृंदावन रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे,
शांति का परिचय दो। वृंदावन साधारण नहीं, वृंदाव भगवान कृष्ण का नाम है, वृंदाव। और जहां वृंदाव अपने भक्तों के संग रहते हो उसको कहते हैं वृंदावन। वृंदावन का एक तो अर्थ है वृंदावनी तुलसी, उसका जो वन है वो वृंदावन, पर एक अर्थ है वृंदाव भगवान कृष्ण का एक और नाम है वृंदाव। और वो अपने वैष्णव भक्तों के साथ जहां निवास करते हो उसको कहते हैं वृंदावन। वृंदावन बंधुओं देखने का विषय नहीं है, वृंदावन सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन भ्रमण का विषय नहीं है, वृंदावन तो अनुभव का विषय है। अनुभव, अनुभव समझते हैं? रसगुल्ला मीठा होता है, कैसा मीठा होता है? बोले संदेश जैसा मीठा होता है। संदेश कैसा मीठा होता है? बोले कि गुड़ जैसा मीठा। अब गुड़ कैसा मीठा? गुड़ गन्ने जैसा मीठा। गन्ना कैसा मीठा? बोले चीनी जैसा मीठा। अब कितना भी कहता रहूं मीठा मीठा मीठा, जब तक खाओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही वृंदावन, वृंदावन देखने का विषय नहीं है। वृंदावन देखने के लिए यदि आप गए ना, तो आपको टूटे हुए घर दिखाई देंगे, छोटी छोटी गलियां दिखाई देंगी, और उन गलियों में अल्लड़ पने से घूम रहे ब्रजवासी दिखाई देंगे। सुनने की भावना से जाओगे तो केवल राधा कृष्ण का नाम सुनाई देगा, लेकिन वृंदावन अनुभव की भावना से जाओगे ना, तो प्रत्येक रोम को लगेगा कि मानो कृष्ण ने छुआ है। ऐसा है वृंदावन। रसखान नाम सुना? रसखान का मुस्लिम था, आगरा से दिल्ली जा रहा था, बीच में पड़ता है वृंदावन। बादशाह ने कहा अकबर रसखान तुम दिल्ली जा रहे हो, वहां सब व्यवस्थाएं सब कर देना, सब अच्छी बात है, लेकिन सुनो ये बीच में एक जगह पड़ेगी वृंदावन। बोले अच्छा। बोले वृंदावन से बच के जाना। रसखान बोला क्यों, ऐसा क्या है वृंदावन में? बोले मैंने सुना है वहां पे कोई सांवरा सलो ना छोटा टेढ़ा कोई बालक रहता, टेढ़ा सा। बोले टेढ़ा सा? बोले हाँ ऐसा सुना, उसकी उसके पैर भी टेढ़े हैं, उसकी कमर भी टेढ़ी है, उसका मुख भी टेढ़ा है, और वो ऊपर मुकुट पहनता है वो भी टेढ़ा ही पहनता है। तो मैंने सुना है वो बालक जो है ना वो जिसको एक बार देख लेता अपना बना लेता है। तो रसखान तुम मेरे बड़े प्रिय हो भैया, सही सलामत दिल्ली पहुंच जाना, वृंदावन से बच के जाना। यदि बादशाह वृंदावन का नाम नहीं लेता और टेढ़े ठाकुर जी का वर्णन नहीं करता तो आज रसखान हमको मिलता नहीं, लेकिन उसने वृंदावन का ऐसा वर्णन कर दिया कि रस्ते भर रसखान सोचता जा रहा है ऐसा कैसा बालक है, टेढ़ा सा बालक, काला सा बालक। अरे टेढ़े व्यक्ति को देख के, काले व्यक्ति को देख के कभी मन आता है क्या? ये हमारे राजा भी पता नहीं कैसी बातें करते हैं। लेकिन भयभीत भी होता जा रहा है, अपने सैनिकों से कह रहा है सुनो जब वृंदावन आवे तो मुझको बता देना। क्यों? बोले मैं सतर्क होके चलूंगा। जैसे ही वृंदावन आया आगे से टेर लगी, बोले महाराज सावधान वृंदावन आ गया है। रसखान घबरा गया। रसखान के घेरा बना के चलो, घेरा बना के चलो, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, पूतना के चक्कर में नहीं पड़ना, इधर देखो। ठाकुर जी का भोग आ रहा है, ठाकुर जी से पहले देख के उसको झूठा करोगे? हाँ तो बस देखो नहीं, सब लोग इधर देखो। रसखान बोला घेरा बना के चलो।
कहीं ये कृष्ण आना जाए, कहीं ये मुझको देख ना ले, कहीं ये मुझको दिख ना जाए। भैया थोड़ा धीरे बोलो सब लोग, बस सामग्री रख के तुरंत जाओ। एक काम करो, सामग्री सारी रखवा लो, तुम रखते रहना, बाकी सब लोग प्रस्थान करो। क्या बता रहे थे हम, रसखान वृंदावन पहुंचा, सैनिकों से बोल रहा है मेरी सुरक्षा करके चलो, कहीं ये टेढ़ा बालक दिखे, काला सा बालक दिखे तो मुझको बचा लेना उससे। रसखान कहां सेनापति, इतना इतना बलवान, इतना वैदुष्य। लेकिन एक बात है कि जो ठाकुर जी से ज्यादा डरता है, ठाकुर जी भी उसी को ही पकड़ते हैं। रसखान भयभीत होकर के वृंदावन में प्रवेश करता जा रहा है और अपने सैनिकों से कहता जा रहा है रक्षा करते हुए चलना, रक्षा करते हुए चलना। इतने में देखते देखते पता नहीं क्या हुआ, सारे सैनिक किसी और गली में घुस गए और रसखान अकेला ही एक गली में चला गया। अब जैसे ही गली में गया, रसखान देखता जा रहा कहीं ऊपर से नहीं आ जाए, कहीं आगे गली से निकल के नहीं आ जाए, कहीं पीछे से तो नहीं आ रहा है। इतने में ही रसखान ने गौर किया, बोले मेरे सैनिक कहाँ गए। तभी देखता एक भी सैनिक नहीं उसके साथ। अब तो रसखान घबराए हुए बोले कि अब तो गया रसखान, अब तू नहीं बचेगा। इतने में ही सुंदर नूपुरों की ध्वनि सुनाई देती है, थोड़ी देर में चंदन की सुगंधि आने लगती है, सुंदर मंद सुगंधित वायु बहने लगती है। रसखान कहता है इतनी सुंदर सुगंध, इतने सुंदर नूपुरों की ध्वनि, ये छम छम आवाज, ये मधुर मधुर सी वेणी कहां बज रही है। और जैसे ही एक गली में जाकर के झांकता है, तभी देखता है त्रिवंग लली श्याम सुंदर अधरों पर वेणु धारण किए, कटाक्ष नेत्रों से जैसे ही रसखान को देखते हैं, देखते ही रसखान मूर्छित हो जाता है। और जब होश में आता है, यत्र तत्र सर्वत्र गली गली में कूचे कूचे में जाकर के ढूंढता है, वो सांवरी सलोनी मूरत कहां है जिसको मैंने देखा था। और खोजते खोजते वही वृंदावन की रस परंपरा का रस सिद्ध रसखान के रूप में कहलाता है। नित्य यमुना जी में स्नान करता है, ब्रजरज माथे से लगाता है और नित्य श्यामा श्याम को खोजता है। ऐसे रसखान वृंदावन देखने नहीं गए थे, वृंदावन सुनने नहीं गए थे, लेकिन वृंदावन का अनुभव उनको हुआ था। मीराबाई जब वृंदावन आती है तो क्या कहती हैं? लागे वृंदावन नीको अली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको अली माने, लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को अली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको अली माने, लागे वृंदावन नीको। ऐसी मीराबाई जो वृंदावन आती है तो कहती है वृंदावन मुझे भाया, मेरे हृदय को भाया, मेरी भक्ति को। बंधु स्थान कौन सा श्रेष्ठ, स्थान कौन सा श्रेष्ठ, वो घर कौन सा श्रेष्ठ, वो वातावरण कौन सा श्रेष्ठ जहां बैठ के आपके मन को शांति का अनुभव हो, ठाकुर जी के ध्यान का अनुभव हो, ठाकुर जी के भजन करने में मन लगे, वो स्थान श्रेष्ठ। जहां जाकर के ठाकुर जी को भूलने की इच्छा हो रही हो, जहां बैठकर के नाम जप ना हो रहा हो, जहां रहकर के कथा सुनने का मन ना कर रहा हो, ऐसा स्थान 1.5 लाख का होटल का कमरा भी क्यों ना हो, वो अच्छा नहीं है।
लेकिन जिस ब्रज की रज में बैठकर सहज शाम सुंदर दिखने लग जाए, प्रिया प्रियतम की लीला होने लग जाए, वो ब्रज की रज महान है, वो ब्रज की रज श्रेष्ठ है। वृंदावन अद्भुत है, अद्वितीय है, साधारण नहीं है। साधारण नेत्रों से वृंदावन को देखोगे, ब्रजवासी की मिठाई। एक बात बोलूं, हमारे वृंदावन के बड़े सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। सिक्योरिटी गार्ड का मतलब जो अंदर प्रवेश ना करने दें उसको सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। तो हमारे वृंदावन का पहला सिक्योरिटी गार्ड है वृंदावन की लस्सी, वृंदावन का दूसरा सिक्योरिटी गार्ड है आलू की टिकिया, वृंदावन के तीसरे सिक्योरिटी गार्ड है चाट भल्ले, वृंदावन के सिक्योरिटी गार्डों का हेडमास्टर है वृंदावन का पेड़ा। किसी से पूछो वृंदावन गए थे? हाँ गए थे वृंदावन, क्या पाया? अरे लस्सी महाराज बड़ी बढ़िया लगी वहां की, अरे टिक्किया बड़ी बड़ी बहुत जोरदार थी, आलू की टिक्की। अरे वृंदावन के पेड़े तो क्या कहने, में कहूंगा बेटा तुमको सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर आने ही नहीं दिया, अपने तक ही सीमित रखा। अंदर कौन है? कि जहां विराजत श्यामा प्यारी, जहां विराजत श्यामा प्यारी, ऐसी श्यामा प्यारी जहां विराज रही हैं, उन तक तो जाने ही नहीं देते ये सिक्योरिटी गार्ड, अपने तक ही रख लेते हैं लोगों को। लस्सी आलू की टिक्की और ये पेड़ान में ही घूमते रह जाते हैं लोग, वृंदावन को देख ही नहीं पाते। वृंदावन है क्या? वृंदावन देखने का सुनने का विषय नहीं, अनुभव का विषय। वृंदावन आए, वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया, और अघासुर का वध करने के बाद ठाकुर जी ने वन में ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग भोजन कर रहे थे। ठाकुर जी वन में भोजन कैसे करते हैं, इतना सुंदर वर्णन है यहां पर, कैसे करते हैं एक बार दर्शन करो इस रूप का, अपने अपने चित्त में ये छवि बनाना कैसे बैठे हैं ठाकुर जी। तो यहां लिखते हैं, विभ्रद वेणुम जठर पटे श्वांग वेत्रे च कक्षे, वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये स्वपरिश्वहिदो हासेन निर्मभिस्वे, स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ भुग्बालकेलि। ठाकुर जी वन में भोजन कैसे करते हैं बस ये सुन लें, उसके बाद हम जल्दी गिरधर लाल जी को बुलाते हैं, तो गोवर्धन उत्सव करेंगे और फिर आरती करके कथा को विराम। आज आरती भागवत जी की ना हो करके हम भागवत जी से उतर के हम लाल जी की आरती करेंगे, आज लाल जी की आरती होगी। तो सब लोग बस अब ये रूप का दर्शन करो, फिर लाल जी को बुलाते हैं। कैसे बैठे हैं ठाकुर जी वन भोज कैसे करते हैं? तो विभ्रद वेणुम जठर पटे श्रांग वित्रे च कक्षे, चारों तरफ गोल आकृति में ठाकुर जी अपने सखाओं को बैठा देते हैं, और तिष्ठन मध्य उनके बीच में ठाकुर जी बैठ जाते हैं। और बैठते कैसे हैं? बोले एक बाम में तो अपनी वंशी दबाते हैं, और दूसरे बाम में अपनी गैया बुलाने वाली श्रृंगी दबा देते हैं। तो दोनों बामों से ऐसे वंशी और श्रृंगी को दबा लेते हैं, और फिर बामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, ठाकुर जी अपने बाम हस्त कलम में बीच बीच में अचार लगा लेते हैं, उंगलियों के बीच में नींबू का अचार, आम का अचार, टेंटी का अचार, ये सारी उंगलियों में अचार ऐसे पकड़ लेते हैं, और बीच में चटनी रखते हैं, और दूसरे हाथ में रोटी रखते हैं, फिर रोटी को खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी को खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, और फिर प्रेम से पाते हैं। फिर ग्वाल वालों से कहते तुम क्या लाए? बोले कढ़ी लाए। बोले लाओ खिलाओ। फिर वो ग्वाल बाल कढ़ी खिलाते हैं, सब्जी खिलाते हैं, ऐसे ठाकुर जी वन भोज करते हैं, अपनी उंगली चाट चाट करके अचार खाते हैं। इस रूप को देख करके ब्रह्मा को लगा कि ये भगवान नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ये परमात्मा नहीं हो सकता। यज्ञ भोक्ता भगवान, हम यज्ञ को पवित्र करके शुद्ध करके तब इनको भोग में देते हैं, और ये मधुमंगल श्रीदामा अपनी उंगली चाट जाते हैं उसी से ही
खीर लेकर के ठाकुर जी को खिला देते, ठाकुर जी खा जाते, ये भगवान नहीं हो सकते। और भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के सारे ग्वाल बाल और सारी गायों के बछड़ों को हरण कर लिया। ठाकुर जी हाथ धोने गए थे यमुना जी में, लौट के आए तो सारे ग्वाल बाल वहां से जा चुके, सबका हरण हो गया। ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके देखा कहां गए सब, तो देखा कि ब्रह्मा सबको चोरी करके ले गया, हरण करके ले गया। संशय कर रहा है कि मैं परमात्मा नहीं हूं। अच्छा, ठाकुर जी ने सारे ग्वाल बाल बछड़े खुद में से ही प्रकट कर दिए और प्रकट करके उनके साथ में विचरण करने लगे। अब देखो यहां एक बात समझने की है, ठाकुर जी को जिस भाव में भजोगे ठाकुर जी परिपूर्ण उसी भाव में रहते हैं। फिर वो अपनी प्रभुता छोड़ देते हैं, वो अपनी प्रभुता को त्याग देते हैं। मैं तो अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि ठाकुर जी को वृंदावन से इतना प्रेम क्यों है, क्योंकि वृंदावन के लोग ठाकुर जी की प्रभुता को स्वीकार नहीं करते, ठाकुर जी परब्रह्म है ऐसा मानते नहीं है, इसलिए उनको वृंदावन बड़ा प्रिय है। अभी सुनोगे आप, नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। सब ब्रजवासी बोले लाला तेने इतना बड़ो गिरिराज पर्वत कैसे उठा लियो। ठाकुर जी बोले हम भगवान हैं। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो तू कौन है। ठाकुर जी बोले हम भगवान हैं। बोले ऐसा का काम कियो तेने जो तू भगवान है। बोले हमने गिरिराज जी उठा रखे। ब्रजवासी बोले तेने गिरिराज जी ना उठा रखे, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा रखी है, छड़ी पे गिरिराज जी टिके हुए। भगवान बोले कहां जाऊं, कितनी भी बड़ी लीला कर लू, पूतना को मार दिया, अघासुर बकासुर धेनुकासुर इतने सारे राक्षस मार दिए इनके सामने, इनको तब भी विश्वास नहीं होता कि मैं भगवान हूं। ठाकुर जी बोले तो ये तुम्हारे डंडा पे टिक रहे हैं। गिरिराज जी बोले हाँ, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, नाटक मत करें, यो खड़ो है, एक उंगली पे कोई गिरिराज जी टिकेंगे। ठाकुर जी बोले तो तुम अपने डंडान पे संभाल लो, मैं उंगली नीचे कर रहा हूं। बोले हाँ कर ले नीचे। जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली ढीली करी, सोई महाराज गिरिराज जी नीचे आने लगे, सबकी डंडियां छड़ियां टूटने लगी, सब बोले लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से एक अन्य उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी टिक गए। अब सब ब्रजवासी अपने टूटे हुए डंडे देख रहे हैं, लट्टे देख रहे हैं, बोले कैसे टूट गए लाला, ये सच में तेरी उंगली पर टिक रहो इतना बड़ो गिरिराज पर्वत। ठाकुर जी बोले हम्बे मेरी उंगली पर टिको है, लाला तू सच में भगवान है। बोले तुम मानोगे तो है ना है, लेकिन मैं भगवान हूं। लाला देख हम ये बात जाने कि तू भगवान तो नहीं है, तू भगवान नहीं है, तू तो हमारो लाला है, लेकिन अब तू सही सही बता, तेने गिरिराज जी कैसे उठाए, कौन सा टोना टोटका कियो तेने। तब ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो। ब्रजवासी बोले लाला ये बात तो तेरी ठीक है, तेने बहुत माखन खाया हो वासे तो में बल आ गए हो, लेकिन कछु गोपन करी सहाय, हम गोप ग्वालन ने तेरी कहा सहायता करी। ठाकुर जी बोले जब मैं गिरिराज पर्वत उठा रहा हूं तो आप सब लोग टकटकी लगा के मुकू देख रहे, तो एक टक अपलक नेत्रों से जब आप मुझको देख रहे थे तो आप सबकी शक्ति मुझ में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें कि हम कमजोर क्यों हो गए, आजकल दो चार दिन से ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो रहा है हमारा, अब पता चली याने शक्ति चुरा ली है हमारी। हाँ लाला अब समझ में आई कि तेने हमारी शक्ति के बल पे गिरिराज जी उठाए। ठाकुर जी बोले हाँ यही सत्य है, बस इसी भाव की वजह से ब्रजवासी ठाकुर जी को प्रिय है, क्योंकि ब्रजवासी ठाकुर जी के सामने लीपापोती नहीं करते, ठाकुर जी के सामने आडंबर नहीं करते। वो बंगला में कहते हैं अति भोक्ति चोरे लक्षण, ऐसे ही बोलते हैं। ज्यादा भक्ति दुल्लर तिल्लर होने वाले लोग जो है ना, ये समझो ये चोर हैं भीतर से, ब्रजवासी ऐसे नहीं है। ब्रजवासियों को तो जो लगता है ठाकुर जी से खुले मुंह बोलते हैं, इसलिए ब्रजवासी प्रिय है।
ब्रह्मा जी हरण करके ले गए, ठाकुर जी ने सारे ब्रजवासियों का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा को जब पता चला कि मैंने अपराध किया है, आकर के भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया। ठाकुर जी बोले, मेरे भक्तों को जो मुझसे दूर करेगा, चाहे वो ब्रह्मा हो, मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। और इस प्रकार ठाकुर जी लीला करते हुए एक दिन गौचारण करके अपने गृह लौट करके आते हैं, तो देखते हैं 56 भोग सामग्री बन रही है। छप्पन भोग की सामग्री देख करके ठाकुर जी ने पूछी, भैया ये सामग्री कौन के काजे बन रही है? तब नंद बाबा ने बताई, बोले लाला हम सब किसान हैं और हम किसानन के देवता हैं श्री गोवर्धन नाथ। उन्हीं गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी के हम सबके इष्ट हैं इंद्र। उन इंद्र की प्रसन्नता के लिए हम लोग ये सब सामग्री सिद्ध कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, बाबा आप इंद्र की सेवा केवल इसलिए करते हो क्योंकि आप किसान हो, इंद्र वर्षा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे, तो अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि इन सब से रक्षा करेंगे। नंद बाबा बोले, हां लाला हम यही मारे इंद्र की पूजा करें। ठाकुर जी बोले, तो फिर सूर्य की भी पूजा किया करो, वो भी तो रोशनी देता है। चंद्रमा की भी पूजा किया करो, वो भी शीतलता देता है। वायु की भी पूजा किया करो, श्वास देता है। वरुण की भी पूजा किया करो, पानी देता है, प्यास बुझाता है। धरती मैया की पूजा करो, अन्न देती है। पिताजी यदि इन इन भावों से आप पूजा करोगे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबकी पूजा करो। लाला सबकी पूजा तो संभव नहीं है, तो फिर अकेले इंद्र की पूजा क्यों? तो बोले क्या करें, बोले पेड़ को हरा भरा करना है तो जड़ में पानी डालो। और जड़ क्या है? बोले इन सब 33 करोड़ देवताओं की जड़ है श्री गोवर्धन नाथ। उन गोवर्धन नाथ की पूजा करो, सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तब सब ब्रजवासी लाला की बात मान करके और 56 भोग की सामग्री लेकर के श्री गोवर्धन को प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। और अब हमारे श्री गिरधर लाल जी भी आप सबके मध्य पधार रहे हैं। सब बैठे रहे ना, ये इतना बड़ा टीवी इतनी बड़ी स्क्रीन इसीलिए लगवाइए ताकि लाल जी का दर्शन हो। लाल जी छोटे से हैं, कोई उनको स्पर्श मत करना, कोई हिलाना नहीं, नहीं तो लुढ़क जाएंगे बेचारे। तो इसलिए प्रेम से अपने स्थान पर सब लोग बैठे रहना। हम लोग सब चलते हैं श्री गोवर्धन श्री गिरिराज जी को लेकर के। जैसे वहां कन्हैया ब्रजवासियों के आगे चल रहे हैं, ऐसे हमारे श्री गिरधर लाल आगे आगे चलेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन महाराज करताल बजा के गाओ, भुजा उठा के श्री गोवर्धन नाथ की जय। प्यारे गिरधर लाल की
बिंदा रोरी को तेरे माथे बिंदा रोरी को तेरे माथे बिंदा रोरी को माथे बिंदा रोरी को ओ तेरे माथे बिंदा रोरी को 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 और थोड़ी पे और थोड़ी पे और थोड़ी पे हीरा लाल हालाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो और थोड़ी पे हीरा लाल हालाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पान चढ़े तो पे फूल चढ़े ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रयो चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण 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 ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण ऐसे स्वागत नहीं होता ठाकुर जी का भुजा उठाओ सब लोग प्रेम से श्री गोवर्धन नाथ की जय हो प्यारे गिरधर लाल की गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो मुकुट विराज
तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु 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 तुम्हारी शरण श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट गोवर्धन नाथ की। सब लोग विराज जाओ। अब कीर्तन अब हम जब कहें तब शुरू करियो। अब विराजो वहीं बैठ जाओ जहां खड़े हैं आप लोग वहीं विराज जाओ। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की प्यारे गिरधर लाल की जय। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन पहुंचे जैसे हम मेदनापुर वासियों को लेकर के मानो साक्षात गिरिराज जी ही आए हैं साक्षात लाल जी ही आए हैं। आज अत्यंत अनुपम साल 2023 का पहला उत्सव पूरे वर्ष भर का सबसे पहला उत्सव आज मेदनापुर में ठाकुर जी का हो रहा है। साल की पहली कथा है और लाल जी के साल भर इतने उत्सव होते हैं लेकिन सबसे पहला उत्सव आज मतलब ठाकुर जी न्यू ईयर मना रहे हैं आज यहाँ मेदनापुर में। तो हनुमान जी महाराज के सुंदर यजमानत्व में पूरे लोढ़ा परिवार के कार्यकाल में और आप सब मेदनापुर निवासियों के प्रेम के फलस्वरूप आज लाल जी पधारे हैं। खूब खूब ठाकुर जी को बारम्बार प्रणाम। ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन गए गिरिराज जी के परिक्रमा लगाई अभिषेक किया पंचामृत अभिषेक किया 56 भोग सजाए गए। सब ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की नेत्र बंद किए और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो 4 भुजा वाले साक्षात गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गिरिराज पर्वत के ऊपर से ही बोलने लगे लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ ब्रजवासियों भोग। मांग मांग करके ब्रजवासियों से भोग पा रहे हैं। सब ब्रजवासी अपने अपने घर के सामग्री लेकर के जावे अपने हाथ से ठाकुर जी के मुख में दें ठाकुर जी खूब रज रज करके प्रेम प्रेम से खूब पा रहे हैं खूब आनंद के साथ में सामग्री स्वीकार कर रहे हैं। सब ब्रजवासी बोले लाला एक बात बता। ठाकुर जी बोले कहा बोले ये गोवर्धन नाथ तेरे जैसो क्यों दिख रहे है देखवे में बिल्कुल तेरे जैसो ही है अब कोई और थोड़े ही है ठाकुर जी ही गोवर्धन नाथ बन के खड़े हैं ऊपर बिल्कुल एक जैसो स्वरूप है बस तेरे 2 हाथ हैं या के 4 हाथ हैं। लेकिन ब्रजवासी इतने सीधे हैं इतने भोले हैं
सब ब्रजवासी प्रार्थना करके कह रहे हैं, लाला ये तेरा और गोवर्धन नाथ को चेहरा इतना क्यों मिले? ठाकुर जी इतने सहज भाव में कह रहे हैं, बोले कि क्योंकि मैं और गोवर्धन नाथ एक ही गैया को दूध पी मैं, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसा हो। मधुमंगल बोले ये कोई बात है, एक गैया को दूध पीवे तो मोह थोड़ी मिले। बोले अब तू बता, तू और तेरा और तेरी बहन को मोह मिले कि ना मिले? तुमने भी तो एक ही मैया को दूध पियो। मधुमंगल बोलो लाला बात तो तेरी सही है, लेकिन या नाते तो हमारो और बछड़ा को मोह भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी गैया को दूध पीवे हम भी पी में। लाला बोले बात मत बनावे, मानव मानव की बात हो रही है, एक ही गैया को मैंने और गोवर्धन नाथ ने दूध पियो है, या हमारे हमारो चेहरा मिल लो है। लेकिन श्री गोवर्धन नाथ सबको ऐसे प्रेम से भोग अरोग रहे हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, खूब प्रेम से पा रहे हैं। इतने में इंद्र आए और सामग्री में से कुछ सामग्री लेकर के नारद जी आए और कुछ सामग्री लेके इंद्र के पास चले गए, और इंद्र से जाके बोले महाराज लो मोहन थार खाओ, पेड़ा खाओ, रसगुल्ला खाओ। इंद्र बोले कहां से ला रहे हो महाराज? नारद जी बोले वो आपकी सेवा बंद हो गई है ना, गोवर्धन नाथ की सेवा शुरू हो गई है ब्रजमंडल में, तो उसी के 56 भोग बट रहे, तो मैंने सुना आपको भी थोड़ा सा दे दूं। इंद्र को जैसी पता चला मेरी सेवा बंद हो गई, आप मेघ मालाओं को आज्ञा दे दी पूरे ब्रजमंडल पर इतनी बारिश करना ब्रजमंडल डूब जाए, कोई जीवित ना बचे, इन ब्रजवासियों को पता चलना चाहिए मेरी सेवा बंद करने का परिणाम क्या होता है। गड़गड़ करके बादल गरजने लगे, जैसे ही आकाश में सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, लेकिन ठाकुर जी बोले भागो मत, दौड़ो मत, जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ से प्रार्थना की और नेत्र बंद करके सब प्रार्थना कर रहे थे। इतने में ही सबने नेत्र खोल करके देखा तो 7 बरस के बाल कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की एक अन्य उंगली पर धारण कर लिया। बोले श्री गिरधर लाल प्यारे की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। प्यारे श्री गिरधर लाल, हम सबके मध्य मुझे तो दिख नहीं रहे, आप लोगों को दिख रहे हो तो पता नहीं, अब टीवी वाले भैया के मन में दिखाना चाहेंगे तो आपको दिखाएंगे, उसमें ऐसे सुंदर प्यारे श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरधर लाल विराजे हैं इतने सुंदर स्वरूप में। बंधुओं ये ठाकुर जी का श्रीनाथ स्वरूप है, गोवर्धन स्वरूप है, और ये गोवर्धन स्वरूप जो ठाकुर जी का विद्यमान है ये राधा और कृष्ण का सम्मिलित स्वरूप है। बाम अंग जो है ठाकुर जी का, भुजा ऊपर जो है, ये किशोरी जी हैं। जय हो श्री गोवर्धन नाथ की। ये हमारे प्यारे गिरधर लाल हैं। एक बार जोर से आपकी मंगल ध्वनि करो बंगला वाली। वाह, श्री गोवर्धन नाथ की, ऐसी जय नहीं जोर की जय, श्री गोवर्धन नाथ की। आज प्यारे श्री गिरधर लाल विराजे हैं 56 भोग अरोगने के लिए मेदिनापुर की इस पावन धरा पर। ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम करते हैं, एक दो बधाई गोवर्धन उत्सव की गा करके फिर मूल कथा हम कल सुनेंगे, फिर अभी श्री लाल जी पधारे उनकी आरती करेंगे। सब लोग दर्शन वहीं उस टीवी में ही करते रहना, क्योंकि मंच पर सब आएंगे तो फिर लाल जी नीचे आ जाएंगे, इसलिए सब अपने स्थान से दर्शन करो। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाए माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाए माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाए माने मेरो मनुआ, मैं तो जाऊं मेरी वीर नाए माने मेरो मनुआ।
आए माने मेरो कनुआ, आए माने मेरो मनुआ। जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाए माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाए। श्री गोवर्धन नाथ की। धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन।
रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, शरण आए तिहारी गोवर्धन, आए तिहारी गोवर्धन, हम शरण तिहारी श्री गोवर्धन, हम शरण तिहारी श्री गोवर्धन, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने, ना माने मेरो मनवा, 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 श्री गोवर्धन बधाई हो, बधाई हो, और जोर से बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, गोवर्धन उत्सव की खूब खूब बधाई आप सबन को। ऐसे 56 भोग अरोग रहे ठाकुर जी। अब एक पद सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ, एक पद सब लोग मेरे साथ में गाओ, और उसके बाद हम लोग आरती ठाकुर जी की करेंगे। सब लोग भाव से ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए गाइएगा। गोवर्धन की रही तलेपी, गोवर्धन की रही गाओ, गोवर्धन स्वर में गाओ, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति oh।